खबर मध्य प्रदेश के कसरावत से, जहां हजरत सूफी वजीर कुतुबे आफ्ताब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की 125वीं सालाना कुल शरीफ की फातिहा मुबारक इस रविवार को सुबह 9 बजे रखी गई। हजरत सूफी वजीर कुतुबे आफ्ताब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के कुल की रस्म को देखते हुए यह व्यवस्था की गई। कुल की फातिहा हर साल सुबह 9 बजे की जाती है। हर साल उर्दू के साबान महीने में यह रस्म अदा की जाती है और कुल की फातिहा की जाती है। सज्जादा गद्दी नसीन अजीज सूफी, खालिद सूफी, वासिक सूफी के मुताबिक खुद्दाम खानकाह की ओर से यह रस्म अदा कराई जाती है। कुरान शरीफ की तिलावत के बाद सिजरा खानी और सलातो सलाम पेश की गई। फातिहा के बाद मुल्क में अमन व भाईचारे के लिए दुआ की जाती है। कुल की फातिहा में शरीक हुए जायरीनों की दरगाह क्षेत्र के बाहर खासी भीड़ बनी हुई थी। सालाना उर्स 125वां उर्स है, इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं सैयद अंबर जमाल नक्शबंदी, मैं अमलनेर जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूँ। सबसे अच्छा पैगाम और संदेश इस बुज़ुर्ग से, सूफी वजीर रहमतुल्लाह अलैह से यही दूंगा कि इश्क और मोहब्बत और आपस में भाईचारगी हो, और यहाँ से जो तस्करे हम सुन कर जाए और इस पर हमारा पूरा के पूरा अमल रहना चाहिए, और उनकी जो सवाने हयात है बुज़ुर्गों की, जो सूफी वजीर रहमतुल्लाह अलैह साहब की सवाने हयात है, उनके पीर मुर्शिद नियाज अली शाह पीर जद्दी उनकी जो सवाने हयात है, उन्हीं के नक्शे कदम पर यहाँ पर जो भी आने वाले हैं यहाँ से पैगाम ले जाएं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मैं यही पैगाम हमारे अवामुन्नास तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। और दूसरी बात कि बड़ा ही पुरमग्ज़ और पुरकैफ दिलाने वाला यहाँ पर खिताब हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह सूफी खालिद साहब ने यहाँ पर बयान किया, और इंदौर के सज्जादा नशीद असद रज़ा सिद्दीकी ने भी यहाँ पर बयान किया। तो मैं सबको ये पैगाम दूंगा, 125वां सालाना उर्स सभी हजरात को और सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। 125वां उर्स है, सालाना फातिहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी मैं अजमेर शरीफ से नूरी बाबा, मैं सज्जादा नसीन सूफी खालिद साहब क़िबला ने दावत दी और उनकी दावत पर मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सूफी वजीर साहब ने जो पहले खलीफा हैं हाजी अब्दुल्ला शाह पानीपत, और उनके जो खलीफा हैं खैरुद्दीन मुजर्रर औलिया, फिर उनके जो खलीफा हैं दादा सैलानी, उन्हीं ने सज्जादा नसीन सूफी वजीर दादाजी का 125वां सालाना उर्स है, इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आवाम के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों से मैं यहाँ तशरीफ ला रहा हूँ आपके सूफी वजीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जो पीर मुर्शिद हज़रत नियाज अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी क़ुर्ब जवार में ही हम रहते हैं और बराबर हर जुमेरात वहाँ हाज़िरी होती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी मैं 4 साल से तशरीफ़ ला रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, ये बुज़ुर्गों के फैज़ान हैं, इनकी नज़र करम है जो हमें यहाँ बुलाते हैं इतनी दूर से, और हम जोक दर जोक इंदौर से यहाँ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बात रखी थी आज अपनी तकरीर में, उसमें 3 मैंने जो है इनायत किए हैं उम्मत को, कि सबसे पहला तो ये सेवक राम चौबे, कसरावत, मध्य प्रदेश।